अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मुख्तलिफ सॉल्यूशंस की पीएच को याद करने जा रहे हैं। ये विजुअल सिमुलेशन एड हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम बड़ी आसानी से चीज़ों को याद कर सकें। बच्चों, इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं वाटर लिखा हुआ है और यहाँ से जब मैं ऐड करता हूँ तो वाटर ऐड हो रहा है मेरे पास यहाँ पर। मैं जब इस पीएच मीटर को यहाँ पर ऐड करता हूँ तो देखिए मुझे कितनी पीएच शो करता है यहाँ पर, ये 7 शो करता है। 7 से नीचे मेरे पास एसिडिक रेंज थी और 7 से ऊपर मेरे पास बेसिक रेंज थी। ये हमारे पास सबसे पहला सॉल्यूशन था वाटर, जो हमें मालूम है इसकी पीएच कितनी है हमारे पास। इसके बाद बेटा अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल हैंड सोप पर। हमने ये पढ़ा ज़रूर है कि जब सोप बनाए जाते हैं तो उसमें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो हमारे पास बेसिक पीएच की तरफ होता है। तो आइए आज हम इस बात को याद भी कर लेते हैं कि हैंड सोप में जब मैंने ये पीएच मीटर ऐड किया तो आपके पास पीएच कितनी आई, पीएच 10 आई। मैं वापस से इसे रिमूव कर देता हूं यहां से और अब मैं इसमें ऐड करता हूं ब्लड। यहां पर ब्लड फिल कर दिया गया, मैं और अगर ब्लड यहां पर फिल करता हूं तो अब मैं यहां पर इस पीएच मीटर को ऐड करता हूं तो मेरे पास पीएच कितनी आ रही है, 7.40। तो अब हमें हमेशा याद रहेगा कि ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.40 होती है। हम यहाँ से रिमूव करके और सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मिल्क की तरफ आते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मिल्क की हमारे पास पीएच कितनी होगी। तो इस पीएच मीटर को बेटा एक बार फिर मैं यहाँ पर ले आता हूँ और अब मेरे पास इसकी पीएच आ रही है 6.50। तो अगर हम अपने पास कॉपी में लिखते भी जा रहे हैं इस बात को तो हमने लिख भी लिया और अब याद हो जाएगा हमें कि मिल्क की पीएच हमारे पास कितनी थी, 6.50। अब अगर मैं यहाँ पर ऑरेंज जूस की तरफ आता हूँ, हमने पढ़ा कि ऑरेंज जूस में सिट्रिक एसिड मौजूद होता है यानी एसिडिक पीएच रखता होगा। तो जैसे ही मैं पीएच मीटर इसमें ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास कितनी पीएच ले आता है, 3.50 पीएच ले आता है। इसका मतलब है कैसी पीएच आ रही है, इसकी एसिडिक पीएच आ रही है चूंकि इसमें एसिडिक कंटेंट मौजूद है। अगर मैं बैटरी एसिड की बात करता हूँ, यहाँ पर बैटरी एसिड में हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो लेड स्टोरेज बैटरी में H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही मैं इसमें ऐड करता हूँ तो पीएच आपके पास 1 आ जाती है। इसका मतलब आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल किया होता है। बच्चों, अब यहाँ पर एक और चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर मैं इसमें वाटर ऐड कर रहा हूँ तो देख रहे हैं पीएच चेंज हो रही है, वाटर ऐड हो रहा है, इसका मतलब डाइल्यूशन बन रही है और डाइल्यूशन बन रही है इसका मतलब पीएच तब्दील हो रही है। अगर मैं वाटर को वापस निकालना यहाँ से शुरू कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि पीएच आपके पास जो है वो यहाँ से हम उस सॉल्यूशन को कंप्लीट बाहर निकाल देते हैं और अब दोबारा से मैं सॉल्यूशन ऐड करना शुरू करता हूँ तो जैसे ही पीएच मीटर यहाँ तक हमारे पास पहुँचेगा हमारे पास ओरिजिनल बैटरी एसिड की पीएच 1 आना शुरू हो गई। और अगर एक मरतबा फिर मैं इसमें वाटर ऐड करना शुरू कर दूंगा तो आप देख रहे हैं कि पीएच कितनी तेज़ी से हमारे पास चेंज हो रही है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस सॉल्यूशन की हमारे पास पीएच कितनी होगी और अगर हम उस सॉल्यूशन में वाटर ऐड करेंगे तो उसकी पीएच पर क्या फ़र्क पड़ रहा होगा। लास्ट में जाते जाते बेटा हम एक काम करते हैं, चिकन सूप की पीएच भी आज चेक कर लेते हैं कि चिकन सूप की पीएच कितनी होती है। तो चिकन सूप की पीएच होती है हमारे पास 5.80, यानी किस फॉर्म में आ रहा है, ये एसिडिक फॉर्म में आ रहा है हमारे पास। और अगर मैं इसमें से कॉफ़ी जानना चाहता हूँ कि कॉफ़ी की पीएच कितनी है तो कॉफ़ी में एक मरतबा फिर आप देख रहे हैं 5 आ रही है, इसका मतलब वो भी एसिडिक रेंज में आ रहा है। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर्स में इन्हीं सिमुलेशंस की मदद से हम और भी टॉपिक्स को आसान करके समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।